एबी और बीसी जो है वो पैरेलल साइड हो गया, ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस बी सी बार अपॉन क्या होगा, टू। ये हमें प्रूव करना था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोला है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोला है, तो पैरेलल साइड ए बी है और डी सी है, तो ए बी बार प्लस डी सी बार अपॉन क्या प्रूव करना है, टू। और ये कौन है, मीडियन है। देखो ये जो मैंने स्टार मार्क किया है, ए बी बार प्लस डी सी बार अपॉन टू, ये कौन था, ई एफ बार था, तो ये ई एफ बार, तो भी ये भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। समझा ना आप लोगों को ये, तो देखो ये जो मीडियन है वो क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का यहाँ पे डिनोमिनेटर में टू है, और यहाँ पे लिख दो तो ये उसमें ही हमें ये वाला भी पार्ट, मतलब ये वाला भी पार्ट हमें मिल जाए, सेकंड पार्ट जो भी है। कुछ डाउट भी है ना इसमें, क्वेश्चन नंबर 9, सब बेस्ट है। एक मिनट, इफ टू if 2 r 1 4 and b minus 3 4 5 minus 3 and b in the centroid of a triangle, find coordinates of cortex, thus C of the triangle। काफी इजी क्वेश्चन है और ये 3 marks के लिए आता है। देखो जैसा क्वेश्चन दिया है ना, पहले क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम्स को मैथ्स में तो ऐसे ही सॉल्व किया करो, क्वेश्चंस को पहले रीड किया करो काफी अच्छे से। एक मिनट, क्वेश्चंस को अच्छे से पहले रीड करो तभी समझेगा ये सब, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे मत जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, टू ऑफ बी के लिए -4, -5, 3 है एंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल इज जी, तो अच्छा ट्राइंगल है ये, क्या है ट्राइंगल है, ट्राइंगल के लिए वर्टेक्स क्या है, ए बी सी, उसके बाद में एक पॉइंट है यहाँ पे क्या दिया, 3, 1, 4 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -4, -5, -3। अब इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, किसका सेंट्रोइड का दिया है, जी, जी का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 2, 1। जब भी सेंट्रोइड वर्ड यूज हुआ क्वेश्चन में, जब भी सेंट्रोइड है तो हमेशा याद रखना सेंट्रोइड का ही फॉर्मूला से सब सॉल्व हो जाएगा। हाँ, जब भी सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड का ही फॉर्मूला यूज करना। तो यहाँ पे लेट ए बार बी बार
सी बार एंड जी बार विद द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड जी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनका पोजिशन वेक्टर लिख लेते हैं। ए बार के लिए क्या आ जाएगा, 3 1 4 आई बार आई जे और के टर्म्स में लिखो, तो 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस 4 k कैप, ये ए बार हो गया। बी बार के लिए -4 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 3 कैप, और जी बार के लिए -1 to 1 -5 j कैप प्लस। ठीक है, तो ए बार हो गया, बी बार हो गया और जी बार हो गया। तो ए बार बी बार जी बार लिखा हमने, अब सेंट्रॉइड के लिए सब लिख दिया। इसके बाद में अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड का। तो जी बार इक्वल्स टू, जी बार इक्वल हो जाए ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन क्यू। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सी बार कैलकुलेट करना है। तो सी बार को एक साइड रखो, बाकी सब एक साइड, तो 3 g बार हो जाएगा। ये माइनस ए बार है, ये साइड आएगा, सॉरी प्लस ए बार है, तो ये साइड आएगा माइनस ए बार माइनस बी बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी बार। इसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, सी बार मिल जाएगा। तो 3 g बार के लिए क्या है, -1 to 1 ए बार के लिए क्या है, 3 1 4 3 1 4 बी बार के लिए क्या है, -4 5 -3 -4 5 -3 ठीक है, सी बार। ठीक है, सो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 into -1 क्या हो जाएगा, -3 into क्या हो जाएगा, 6, और 3 into 1 क्या हो जाएगा, 3k। ब्रैकेट ओपन करो, -3 i कैप -j कैप -4 k कैप, यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो सब i कैप साथ में। तो i कैप के लिए देखो, -3 i कैप है और प्लस में 4 i कैप है, तो माइनस और माइनस कितना होगा, 6 हो जाएगा, और 6 में से अगर 4 को माइनस प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 2 i कैप। i कैप हो गया, j कैप के लिए 1 है, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 6 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 5 आ रहा है और यहाँ पे माइनस 5 है, तो प्लस 5 और माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 j कैप। k कैप के लिए, k कैप के लिए 3 k कैप है, -4 मतलब -1 हो गया, -1 और यहाँ पे प्लस 3 है, प्लस 2 हो गया, तो प्लस 2 k कैप equals to c bar, therefore coordinates of the third vertex c is kya aayega yahan pe -2 0 2, easy hai na ye, kafi kuch doubt hai isme, सेंट्रॉइड दिया है तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करो और सॉल्व हो जाता है। अच्छा, जो टेंथ वाला सम है ना, वो थोड़ा डिफरेंट मेथड से है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसमें लास्ट वाला सम बता देता हूं, क्योंकि वो भी सेंट्रॉइड पे डिपेंड है। ठीक है, सेंट्रॉइड पे डिपेंड है तो मैं वो बता देता हूं। ठीक है, फिर इसमें दो सम्स लेंथ जो कि मैं कल बता दूंगा, तो फिर ये एक्सरसाइज भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं ये 12th वाला सम बता देता हूँ, क्योंकि वो भी सेंट्रॉइड पे है, बाकी दोनों भी सम सेंट्रॉइड पे है, बट उसको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, एक मिनट रुकना, मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। 12th सम है, फाइंड
फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन. With vertices, k 5-7, 0 L के लिए 1-5-3 M के लिए 4-6-3 M के लिए 6-4 M2. So, यहाँ पे ऐसा दिया है फोर वर्टेक्स होना चाहिए. ठीक है, तो फोर वर्टेक्स है और इसमें सेंट्रॉइड हम कंसिडर करते हैं G है. तो लेट जी जी बार बी द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन. ठीक है, तो हमने ये कंसिडर किया जो सी जी है वो क्या है, सेंट्रॉइड किसका, टेट्राहेड्रॉन का. अब यहां पे वर्टाइसिस के एल एम एम है तो हम इसको पहले पोजिशन वेक्टर के टर्म्स में लिखते हैं. तो लेट के बार एल बार एम बार एंड एम बार बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ के एल एम एंड एम रिस्पेक्टिवली. तो आई जे और के फॉर्मेट में सबको लिखते हैं. तो के कैप के लिए स्मॉल के लिखना है, स्मॉल के कैप. तो 5i cap - 7j cap ये जीरो इसलिए हमने लिखी नहीं रहे. ठीक है, के हो गया एल के लिए, एल बार के लिए 1-5-3 है. तो आई कैप प्लस 5j cap + 3k cap. फिर एम के लिए 4i cap - 6j + 3k cap. सॉरी 3k cap. ठीक है, और n बार के लिए 6i cap - 4j cap + 2k cap. तो अब सेंट्रॉइड के लिए टेट्राहेड्रॉन का जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं. तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला बराबर G बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार, सॉरी A बार प्लस B बार लिख रहा हूं मैं, K L M N है ना. तो K बार प्लस L बार प्लस M बार प्लस M बार अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. तो अब हम सब वैल्यूज इसमें पुट करेंगे. तो K के लिए क्या है, 5i cap - 7j cap. L के लिए क्या है, i cap + 5j cap + 3k cap. M के लिए 4i cap - 6j cap + 3k cap. M बार के लिए 6, 4 और 2 अपॉन क्या है, यहाँ पे 4 है. तो देखो i कैप के लिए क्या क्या है, यहाँ पे 5i cap है, एक यहाँ पे 6 हो जाएगा. सब i कैप को देखो, ये एक i कैप है, यहाँ पे आई कैप है, ये आई कैप है और ये आई कैप है. तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6. 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16. तो 16 आई कैप. आई कैप हो गया. जे कैप के लिए 7 - 7 + 5 कितना होगा, -2 हो जाएगा. -2 यहां तक -6 - 8 हो गया. -8 - 4 कितना होगा, -12 हो जाएगा. जे कैप का भी पार्ट कंप्लीट हो गया. के कैप के लिए 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. और 6 + 2 कितना होगा, 8. तो यहाँ पे 8 के कैप अपॉन क्या है, यहाँ पे 4 है. तो 4 से सबको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 4 = 16, 4 3 = 12 और 4 2 = 8. तो यहाँ पे जो है ये क्या है, जी बार है. तो हमें क्या पूछा है, फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ दी सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन. तो सेंट्रॉइड हमने ये कैलकुलेट कर लिया. अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर वगैरह ऐसा कुछ पूछा नहीं है.
कि पोजिशन वगैरह है या फिर कोऑर्डिनेट, तो एक काम करो इसमें दोनों भी निकाल के रखा करो, ये तो हमारा क्या हो गया पोजिशन वेक्टर हो गया, ये पोजिशन वेक्टर के टर्म्स में हो गया, और अगर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको कैपिटल जी में क्या लिखोगे, 4-3 और 2, ये भी सम हो गया, ठीक है। सो इसमें भी कुछ डाउट नहीं होगा आई थिंक, कुछ डाउट है तो पूछ लो फिर, काफी महालक्ष्मी आप कुछ डाउट पूछ रहे थे ना, एक मिनट देखता हूँ मैं। सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 और 12, अच्छा एक मिनट 7 और 12, एक मिनट में देखता हूँ पहले क्या है वो। एक मिनट रुकना मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूं, बाकी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड स्टेप अच्छा रुको बता देता हूं। सेवन एंड ट्वेल्व ये जो महालक्ष्मी ये जो 7 क्वेश्चन पूछ रही है ना इन सेंटर, वो टाइप का सम सभी अपने हमने सॉल्व नहीं किया है ना, तो वो मैं बताऊंगा वो कैसे करना है। 7 और ये जो 12 है, ट्वेल्व का भी काफी अलग मेथड हो जाता है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद में ना बता दूंगा मैं, क्योंकि जो इन सेंटर वाले सम्स है ना वो अभी तक आए नहीं है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इन सेंटर का भी कॉन्सेप्ट बताना है फिर वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इन सेंटर वाले सम सभी वो मेथड के हुए है ना, हाँ क्वेश्चन नहीं समझा बट उसमें कैसा है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है ना इन सेंटर वगैरह कैसा क्या निकालने का, तो इन सेंटर जो है वो बाइसेक्टर का मतलब इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है, जो कि एक थ्योरम है, मैं वो कराने के बाद कराऊंगा ये, ठीक है उसका टेंशन मत लेना, वो मैं करा दूंगा अभी। और शुभम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड स्टेप, एक मिनट हाँ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड स्टेप, शुभम ये क्या, हाँ सर हाँ ये इसमें हमने क्या किया ना, ये जो लैम्डा प्लस वन है इसको हमने, ये देखो डिनोमिनेटर में है, दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो क्या बचेगा, ए बार प्लस लैम्डा डी बार, तो ए बार प्लस लैम्डा डी बार, ये ए बार के साथ तो ये सिंपल है ना, इसलिए हमने इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिखा, तो लैम्डा प्लस वन दोनों के लिए है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, ए बार पहले लिख दिया लैम्डा डी बार बाहर रख दिया, सेम वैसे यहाँ पे भी म्यू प्लस वन दोनों के लिखा है, तो म्यू प्लस वन बाहर निकाल लिया और बी बार पहले लिखा और म्यू ई बार बाद में लिखा। अब इसके बाद डी बार का वैल्यू पुट किया, इसमें ई बार का वैल्यू पुट किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मतलब ब्रैकेट ओपन किया और फिर जो ब्रैकेट डिनोमिनेटर है उसको स्प्लिट करके फिर सॉल्व किए, समझाया। हाँ तो ये बोल रहा था कि जो मतलब सम है ना वो इन सेंटर वाले सम, वो अभी जब कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ाऊंगा तो अभी वो क्लियर होगा, ऐसे डायरेक्ट अभी सम सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि इन सेंटर वर्ड मैंने अभी तक आप लोगों को यूज ही नहीं किया मैंने, सो उसका जो सम है वो मैं मतलब जब भी कॉन्सेप्ट वगैरह हो जाएगा तो वो भी मैं करा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो और कुछ डाउट है क्या आज के सेशन का,
फाइव एंड सिक्स कैसे करेंगे? एक मिनट, फाइव सिक्स मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ये एप्लीकेशन है और एंगल बाइसेक्टर है। देखो यहाँ पे सेंटर वर्ड यूज किया है, जो सॉल्व एग्जांपल सिक्स है ना, ये एप्लीकेशन का ही पार्ट है, ये मैं कराना है मुझे, क्योंकि बाकी के सम्स जो है ना, ये सब जो है जो मैंने कराया था, प्रूफ दैट क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, मीडियन, ट्रेपेजियम वाला, ये सब सारे पहले ना एप्लीकेशन में हुआ करते थे। और सॉल्व एग्जांपल फाइव एंड सिक्स से काम करूंगा, कल के लेक्चर्स में वही पहले बताऊंगा, फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ, सो थैंक यू एवरीवन। जी सर, स्टॉप करते हैं फिर आज। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। हाँ सर, हाँ।